भर्ती परीक्षा में दूसरी पाली का एग्जाम जारी है। सघन चेकिंग के बाद छात्रों को एंट्री मिली है। सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है छात्रों पर नजर। एग्जाम सेंटरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। सॉल्वर गैंग पर पुलिस की पैनी नजर है। यूपी में अब तक 24 सॉल्वर हो चुके हैं गिरफ्तार। बता दें कि एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की और सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरी पाली का जो एग्जाम है वो चल रहा है। सघन चेकिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री मिल रही है। सीसीटीवी कैमरों से छात्रों पर नजर रखी जा रही है। एग्जाम सेंटरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। तो ये देखिए 12 तस्वीरें, गाजियाबाद, कौशाम्बी, ललितपुर, बदायूं, बागपत, उन्नाव, जलौन, नोएडा, जौनपुर, अमेठी, मुजफ्फरनगर और झांसी, जहां पर तमाम छात्र परीक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं। दूसरी पाली का एग्जाम चल रहा है, पुलिस भी तैनात है और इसके साथ ही सघन चेकिंग के साथ ही छात्रों को एंट्री मिल रही है। एग्जाम रूम्स में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। एग्जाम सेंटरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सॉल्वर गैंग पर पुलिस की पैनी नजर है। यूपी में अब तक 24 सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आगरा से हमारे साथ शिव चौहान जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। शिव, जानना चाहूंगी, देखिए यहां पर एग्जाम चल रहे हैं पुलिस के और ऐसे में जो सिपाही भर्ती के ये एग्जाम है इसमें दूसरी पाली का ये एग्जाम फिलहाल चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे साफ समझ में आता है कि इस बार कितनी सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है सीसीटीवी के जरिए जो नजर है वो किस तरीके से रखी जा रही है। देखिए, ताजनगरी आगरा की बात करी जाए तो आज पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दिया। सुबह से ही वो कॉलेजों के बाहर जो अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए आए थे उनकी सघन चेकिंग की गई, यहाँ तक कि सीसीटीवी के निगरानी में यह परीक्षा कराई जा रही है। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की बिल्कुल भी अंदर प्रवेश नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनके बाल तक खुलवा के चेक किए गए कि कोई सामग्री उनके बालों में तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सीसीटीवी के निगरानी के साथ साथ कई सचल दस्ते पुलिस अधिकारियों की निगरानी में लगाए गए। पुलिस अधिकारी खुद जाकर कॉलेजों के बाहर, कॉलेजों के अंदर ये चेकिंग करने में जुटे हुए थे कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है। इसी बीच पहली पाली की जो परीक्षा समाप्त हुई है उसमें से 7 लोगों को जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं की उन्हें डिटेन करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया, जिससे 6 अभ्यर्थियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है अलग अलग थाना क्षेत्रों में से। और दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आगरा में जो पुलिस व्यवस्था, जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो चाक चौबंद दिखाई दी गई। यहाँ तक कि कॉलेजों के बाहर वाला जो इलाका है वहां ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। जी बिल्कुल आशय, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कुछ सॉल्वर्स भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, लगभग 24 उनकी संख्या बताई जा रही है। चलिए, तैयारी तो पूरी तरह से सख्त यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किसी तरह की कहीं पर कोई गड़बड़ देखने को मिली है अभी तक? देखिए बिल्कुल, आगरा एसटीएफ और पुलिस ने ही देर रात को 2 ऐसे सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो लोगों से, जो अभ्यर्थी थे उनसे संपर्क साधने के बाद उनसे पैसे लिए जा रहे थे और उनका आश्वासन दिया जा रहा था कि ये परीक्षा उनकी पास करा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एसटीएफ ने और पुलिस ने मिलकर उन्हें गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनसे भी पूछताछ की जा रही है इस पूरे मामले में उनके साथ और कौन कौन लोग आगरा जिले में। हालांकि दूसरी पाली की परीक्षा जब समाप्त हो जाएगी तो जैसा कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरा एक मीडिया ब्रीफ किया जाएगा और जो जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया है वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेफ तमाम जानकारी के लिए। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर परीक्षा देने निकले 2 भाइयों की मौत।